हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स मैं हुवादी आपकी इंग्लिश एजुकेटर और इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास सिक्स की इंग्लिश चैनल की जो हमारी कोर्स बुक है उसका लास्ट यूनिट लास्ट चैप्टर सो उसकी जो हमारे पास जो सिक्स यूनिट है सेवन्थ यूनिट सॉरी सेवन्थ यूनिट का सी सेक्शन हम देखने जा रहे हैं जो कि एक बहुत इंटरेस्टिंग सा प्ले है एक्चुअली ये एक पोम है इट्स लाइक अ नरेटिव बेलॉड बेलॉड मतलब क्या होता है जहाँ पे आप ना फॉर्म में एक स्टोरी बताते हो बट यहाँ पे आपको एक प्ले के फॉर्म में वो दिया हुआ है एंड is the Enchanted इंटेड Enchanted का मतलब क्या होता है has some magical powers. Enchanted मतलब जिसमें आपने ना चांस किए होते हैं जादू मंत्र किया होता है या something extraordinary, okay? So now let's start to know our author. John Milton Hay was an American statesman, diplomat, author, journalist, and private secretary, and assistant to Abraham Lincoln, the President of the United States. So, John Milton Hay, he was a lot of things. He was an American statesman, wo ek politician, the, diplomat, the, author, the, journalist, the and above all, he was the assistant to the president of the United States, Abraham Lincoln. और ही डेवलप्ड एन इंटरेस्ट इन पोएट्री वाइल स्टडिंग एट ब्राउन यूनिवर्सिटी तो वाइल ही वॉज स्टडिंग वहाँ पे उनको पोएट्री में इंटरेस्ट आया एंड वॉज नेम्ड क्लास पोएट विच मीन्स हिज पोम्स वॉज सो गुड दैट ही वॉज नेम्ड एज अ क्लास पोएट अब यहाँ पे एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू ये एक्चुअली में एक पोम है जिसको प्ले के फॉर्म में दिया गया हुआ है सो लेट्स स्टार्ट सबसे पहले कैरेक्टर इन द प्ले तो यू हैव सॉफिस हु इज द किंग देन यू हैव रेल्फ रॉजर एंड बिली नाउ ये तीनों कौन है ये कोटियर्स है मतलब कोटियर्स कौन होते हैं जो लोग आपके सभा में जो लोग होते हैं आपके काम को करने के लिए बेसिकली राज राजा का जब उनकी जो सभा होती है तो दरबार में जितने लोग होते हैं दरबारी जो होते हैं अनोनस कोटियोर्स नाउ जिम इज हु जिम इज किंग्स का अटेंडेंट मतलब उनका सेवक एंड जॉन इज अ वेग बॉन्ड इज अ पर्सन हु ओके अ पर्सन विथ नो होम और मीन्स ऑफ सपोर्ट ही इज़ लाइक अ वर ही इज़ लाइक अ नो बस वो घूमते रहते हैं उनके कोई घर नहीं चाहिए उन्हें कोई सपोर्ट नहीं है सो दे आर दे आर जस्ट रोमिंग अराउंड देन डॉक्टर ट्रूली डॉक्टर शॉप डॉक्टर वन डॉक्टर टू डॉक्टर थ्री ये सारे कौन हैं फिजिशियंस हैं जो किंग uh, को ट्रीट करने के लिए आए हैं सो नाउ लेट्स बिगिन सीन वन रॉयल पैलेस लेट आफ्टरनून किंग्स ऑफिस इज इन चैम इज इन चैम्बर स्लीपिंग साउंडली एंड स्नोरिंग ओकेजनली सो आपको सबसे पहले पर्दा ओपन होता है एंड यू सी अ रॉयल पैलेस मतलब किंग का जो होता है बहुत बड़ा सा एक पैलेस है लेट आफ्टरनून है मतलब शाम के तीन साढ़े तीन बजे हैं किंग ऑलफिस इज इन इज इन चेम्बर वो अपने चैम्बर में है जहाँ पे वो एक बहुत ही गहरी नींद में है और बीच बीच में जो है ही स्नोरिंग मतलब वो खजाटे भी ले रहे हैं द किंग इज श्योर दैट ही सेक दो हिस् स्किन इज क्लियर एंड ब्राइट नाउ कोरस मतलब क्या है जो नरेटर हमें बता रहा है कि किंग को कन्फर्म है कि उनको कोई ना कोई बीमारी है दो हिस् स्किन इज क्लियर एंड ब्राइट मतलब उनको कोई बीमारी नहीं है उनकी स्किन जो है जैसे आपको आप बीमार होते हो तो आपकी स्किन पेल हो जाती है डल हो जाती है बट हिज स्किन इज क्लीन क्लियर एंड ब्राइट ही वनडर्स विच इलनेस टू पिक दो ही इज अल्दी साइट

मेरे को बहुत दुख हो रहा है आपको टाटा बाय बाय करने के लिए क्यों क्योंकि आप जो हो यू आर स्ट्रिकन विथ कोलेरा स्ट्रिकन मतलब यू आर सीरियसली अफेक्टेड बाय अ डिजीज तो आपको जो है कोलेरा की बीमारी हो गई है और सिर्फ भगवान ही आपको बचा सकते हैं सून जो है आपको सबको गुड बाय बोल के इस दुनिया को छोड़ के जाना पड़ेगा विच मीन्स ही मेन टू से दैट आप सून बहुत जल्दी आप मरने वाले हो

लेस और एनी अदर प्रॉब्लम मतलब अगर आपको कोई भी डिसीज है कोई इश्यू है कोई प्रॉब्लम है तो उसका जो आइडेंटिफिकेशन होता है जो आपके सिम्टम्स देख के डॉक्टर बताता है कि अरे आपको ये सिम्टम्स हैं सो मे भी आप इस चीज़ से सफ़र कर रहे हो उसे बोलते हैं डायग्नोसिस तो मेरा डायग्नोसिस कहता है कि आपको ट्यूबिकलोसिस है भगवान ही आपको बचा सकता है मैं भी आपको फेयरवेल बिट करता हूँ डॉक्टर थ्री My sincerest apologies, Your Highness, but I have to agree with my fellow physicians. You are suffering from a rare disease called out of mental focus. We have no pills for that. सो डॉक्टर श्री बोलते हैं मेरी बहुत बहुत मतलब मेरी भी बहुत ज़्यादा जो है मैं सिंसियरली अपोलॉजाइज करता हूँ माफ़ी मांगता हूँ लेकिन मेरे जो फेलो फिजिशियंस हैं वो सही बोल रहे हैं आप एक बहुत रेयर डिसीज से सफ़र कर रहे हो जिसका नाम है आउट ऑफ मैंटल फोकस ओके एंड हमारे पास इसकी कोई दवाई नहीं है सडनली द किंग sits up and screams for his attendants and courtiers तो सडनली जो है ये एक सपना देख रहे थे किंग और वो उठ के बैठ जाते हैं और अपने अटेंडेंट्स को अपने कोर्टियर्स को बुलाते हैं सर्फिस कोर्टियर्स अटेंडेंट्स वेयर आर यू कहाँ हो तुम सब रोजो यस योर मैजेस्टी हियर वी आर एट योर सर्विस जिम गिव हेस हाइनस सम वाटर ऑन द सिल्वर गॉबलेट तो रॉजा जो, जो उनका कोटियर होता है वो आता है हाँ हाँ मजिस्टी हम सब यहीं पे हैं आपकी सर्विस में और फिर वो जिम जो उनका अटेंडेंट होता है उसको बोलते हैं कि किंग के लिए जो उनका सिल्वर गॉबलेट है मतलब जो उनका सिल्वर जो है पानी का जो प्याला है जिसमें वो पानी पीते हैं दैट इज़ लाइक like, गॉबलेट्स क्या होते हैं गॉबलेट्स इस शेप के होते हैं आपने देखे होंगे किंग्स के पास जो होते हैं तो वो इस शेप के होते हैं तो वो उसका जो सिल्वर कॉपलेट है जो चांदी का उनका जो ग्लास है ड्रिंकिंग ग्लास है उसमें उन्हें पानी दो सॉफेस ओह वोज थ्री रोग फिजिशंस दोस्टर्स दे कॉन्ट क्योर मी ऑफ देर है तुरंत जो है कि बोलते हैं कहाँ है वो तीन रोग फिजिशियंस ना रोग का मतलब क्या होता है स्काउंडर बेसिकली ही कहाँ है वो तीन फिजिशियंस वो मॉन्स्टर्स वो लोग मुझे ठीक नहीं कर पा रहे हैं वो मुझे क्योर नहीं कर पा रहे हैं उनका जो सर है वो कटवा दो हिस्ट्री सो लाउडलीट द कोटियर्स एन अटेंडेंस फॉल बैकवर्ड्स वो इतनी जोर से चिल्लाते हैं कि जो कोर्टियस और अटेंडेंस उनके पास आते हैं वो एकदम फॉल बैकवर्ड्स मतलब वो डर के पीछे हो जाते हैं रैल्फ बट यूर मैजिस्टी नो बडी नो फिजिशियन हैज बीन टू सी यू तो रेल्फ कहता है लेकिन यहाँ तो कोई फिजिशियन है ही नहीं यहाँ तो आपको देखने के लिए कोई डॉक्टर नहीं आया सोफिस ओह आई मस्ट है वॉट डिड यू से डिड आई नॉट ट्रेल यू टू फाइंड मोर डॉक्टर्स डोंट यू रियलाइज आई एम वेरी इल आई हैव टू गेट क्योर्ड तो तभी किंग को रियलाइज होता है कि शायद वो सपना देख रहे थे तो वो बोलते ओ आई मस्ट हैव इन ड्रीमिंग और उसके बाद वो बोलते मैंने तुमसे क्या कहा था मैंने तुमसे कहा नहीं था ज़्यादा डॉक्टर्स को लेकर आओ तुम चाहते हो कि मैं बीमार जाऊँ तुम नहीं चाहते मैं ठीक हूँ जाओ और डॉक्टर्स को लेकर आओ जिम स्टटरिंग, जिम जो है एकदम स्टटर करते हुए हकलाते हुए कहता है मतलब एकदम जब घबरा जाते हो आप तो आप कैसे बोलते हैं सर ah, वो मैं एक्चुअली तो उसको स्टटर करना कहते हैं बट यो हाइनस यू आर सो हेल्दी आई मीन सो वेल्दी यू नो यू कैन बी यू कैन नेवर बी आई मीन एवर बी क्योर्ड अब वो ये कहना चाहता है अपने जिम जो है जो उनका अटेंडेंट है वो किंग से कहना चाहता है कि आप एकदम हेल्दी हो आपको तो कुछ नहीं हुआ है आप तो सही दिख रहे हो आपको ज़रूरत क्या है तो गुस्सा आ जाता है किंग को गार्ड्स टेक दिस अवे एंड फ्लॉग हिम ही डस्ट टेल मी आई एम हेल्दी तो वो बोलता है गार्ड्स इस जो है इस स्काउंट्रल uh, को यहाँ से लेके जाओ और इसका जो है इसको फ्लॉग हिम फ्लॉग हिम का मतलब क्या होता है उसको बहुत मारो मतलब यू पनिश हिम वाई बिकॉज इसकी हिम्मत कैसे हुई ये बोलने की कि मैं एकदम स्वस्थ हूँ हाउ कैन ही टेल मी दैट आई एम एब्सोल्यूटली हेल्दी नाउ जैसे वो ये कहता है तो क्या होता है जिम स्टिल स्टटरिंग मर्सी मर्सी योर हाइनस आई मीन माई मोस्ट इल एम योर मोस्ट लॉयल सर्वेंट तो अब जिम क्या बोलता है एकदम

लिटिलेटर रेल्फ अनाउंस दरावल ऑफ टू फिजिशियंस तो जो जितने भी कोर्टियस होते हैं अटेंडेंट होते हैं वो सब जो है उनके रूम से बाहर चले जाते हैं और किंग जो होता है ही डटवील्स ऑन द बेड वो बेड पे जो है वो कार्टवील्स कर करके देख रहे होते हैं थोड़ी देर बाद रैल्फ जो है वो दो फिजिशियंस के साथ वापस आते हैं दो डॉक्टर्स के साथ आते हैं रैल्फ डॉक्टर्स है, है जो आपका ऑडियंस चाहते हैं मतलब वो मिलना चाहते हैं सोफेस वेडेंशियल मतलब उनमें क्या खास बात है क्रीडेंशियल मतलब क्या होता है क्वालिफिकेशन उनमें क्या क्वालिफिकेशन है Ralph one is terribly poor but studious and has never had time to grow fat. एक जो है वो बहुत ज़्यादा गरीब है लेकिन वो बहुत ज़्यादा studious है और उसको कभी ज़िंदगी में ये मौका नहीं मिला टू grow fat. इसका मतलब he did not earn a lot but वो बहुत ज़्यादा समझदार है The other has never had trouble with his पेशेंट्स और जो दूसरा है उसको अपने पेशेंट्स में कभी कोई trouble नहीं हुआ he had a lot of patience. If they recovered they paid him well. अगर उनकी तबीयत ठीक हो गई तो वो उसको अच्छा पे करते हैं एंड इफ देर एयर और अगर वो मर जाते हैं तो उनके जो एयर होते हैं मतलब जो उनके उत्तराधिकारी ये बड़ा अच्छा साउंड करें इनको अंदर भेजो द फिजिशियंस डॉक्टर ट्रूली एंड डॉक्टर शार्प एंटर तो इन दो फिजिशियंस का नाम क्या है डॉक्टर ट्रूली एंड डॉक्टर शार्प लॉन्ग लेवस लॉन्ग लाइफ टू यूम योर मेजेस्टी टॉप जैसे ही वो एंटर करते हैं तो वो राजा को क्या बोलते हैं भगवान करें आप बहुत लंबा जी भगवान करें आपकी उम्र बहुत लंबी हो तो सोफिस जो किंगे वो क्या बोलता है ओह स्टफ एंड नॉन सेंस आह विल सी हाउ लॉन्ग आई लिव आई नो आई है मोस्ट टेरेबल डिसीज इफ यू कैन फाइंड आउट व्हाट इट इज देन यू मे से लॉन्ग लिव योर हाईनेस एंड लॉन्ग लाइफ टू यू योर मेजेस्टी फर्स्ट डायग्निसट इट इज आई डोंट वॉन्ट टू लुक ए फूल फॉर इमेजिनिंग थो बोलते हैं फ्रॉम द मोस्ट टेरिबल डिस मुझे एक बहुत बड़ी डिसीज हो गई है एंड इफ यू कैन फाइंड आउट वॉट इट इज अगर तुम्हें पता लग गया कि मेरे को क्या डिसीज है तब बोलना तुम लॉन्ग लिव योर हाइनस या लॉन्ग लाइफ टू यू माई हाइनस अब यहाँ पे वो बोलते हैं पहले पता लगाओ कि मुझे क्या बीमारी है क्योंकि मैं लोगों के सामने जो है आई डोंट वांट टू बी लाइक फील लाइक अ फूल जो सिर्फ इमेजिन करता है बिकॉज़ आई नो कि मुझे कोई ना कोई बीमारी है अब डॉक्टर ट्रूली आते हैं वेल योर हाईनेस वी मस्ट एग्जामिन द रॉयल फिजिक तो उसने बोला ओके okay, सबसे पहले तो हमें आपको एग्जामिन करना पड़ेगा लेट मी स्टार्ट विद द आईज तो वो जो है अब किंग की आईज चेक करें हम्म Well तो बैक अब, all well, all well अब वो उनकी सांस चेक करते हैं ओ वॉट दिस आई हेयर आउंड ऑफ अ साउंड हार्ट एंड जोबस लंग्स तो वो जब उनके जो है स्टेटस्कोप लगा के उनका हार्ट चेक करते हैं मतलब उनका जो है ब्रीदिंग चेक करते हैं तो वो बोलते हैं अरे ये मैंने क्या सुना ये तो साउंड किसका है एक बहुत ही हेल्दी हार्ट का है और बहुत ही रोबस्ट मतलब बहुत ही स्ट्रोंग लंग्स का है यो मेजेस्टी आई एम सो प्लीज टू डाइगनाइज दैट यू आर एज हेल्दी एज अ फैट एंड यज फिट एज अ फिडल अब डॉक्टर ट्रूली बोलते हैं मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आप जो हो एक्सट्रीमली हेल्दी हो आपको कुछ नहीं हुआ है यू आर एज हेल्दी एज अ फैट एंड योलिंग योलिंग क्या होता है एन एनिमल स्पेशली अ हॉर्स बिटवीन वन एंड टू इयर्स ओल्ड जो एक नया जो हॉर्स का जो बच्चा होता है उसको योलिंग कहते हैं तो आप तो एकदम फिट एंड फैटेंड हो एक नए जो हॉर्स का जो बच्चा होता है कितना एनर्जेटिक होता है एकदम आप वैसे हो एज फिट एज अ फिडल उसके तार कितने टाइट होते हैं, एकदम fit होते हैं, तो आप उतने फिट हो तो अब जैसे वो ये कहते हैं टाल वॉल दर्ल्ड क्लीन अब जो किंग है उनको इतनी जोर से गुस्सा आता है बोलते हैं अच्छा तुम्हे लगता है मैं एकदम ठीक हूँ गार्ड्स वो अपने गार्ड्स को बुलाते हैं वो बोलते हैं इसको जो है वहाँ पे बाहर जाके महल के टाल से लटका दो और लटका के उसे तब तक रखना जब तक इसे चील को वे खा ना डॉक्टर ट्रूली को वो गार्ड जो है पकड़ के लेके जाते हैं अब डॉक्टर शार्प ओह योर रॉयल लेट मी नॉट डीलेन डायग्नाइजिंग योरमेंट फॉर आई फियर इट इज मोर सीरियस आई प्रीवियड वो अब डॉक्टर शाह क्या बोलते हैं ओ योर रॉयल हाइनेस मुझे बिल्कुल भी डीले नहीं करना चाहिए आपको डायग्नोस करने के क्योंकि मुझे लगता है कि आपको एक बहुत ही बड़ी बीमारी है पहले जितना लग रहा था अब मुझे लगता है उससे भी बड़ी बीमारी है आपको अनफॉर्चुनेटली माई कलीग कुड नॉट सीरियस सिम्टम्स क्लियरली अनफॉर्चुनेटली जो मेरे कलीग आए थे जो डॉक्टर ट्रूली आए थे वो समझ नहीं पाए आपके सिम्टम्स यू सी एम नो ऑर्डिनरी फिजिशियन माई स्पेशलाइजेशन इज स्ट्रेंज इनक्योरेबल डिसीजेस लाइक यू सीम टू हैव आप देखिए मैं कोई नॉर्मल फिजिशियन नहीं हूँ कोई नॉर्मल डॉक्टर नहीं हूँ मेरी स्पेशलाइजेशन है कि ऐसे डिसीजेज जो कि सामने वाला बता भी नहीं पाता ऐसी स्ट्रेंज डिसीजेज को ही मैं क्योर करता हूँ लेट एग्जाम वो बोलते हैं कि आप मुझे अपनी टंग और अपनी आईज दिखाइए पॉसिबल टू एग्जाम इन द टंग अब वो बहुत देर तक किंग की पहले लेफ्ट आई देखता है फिर राइट right आई देखता है और फिर उनका जो फेस है वो हर डिरेक्शन में घुमा देता है उनकी टंग चेक करने के लिए जस्ट एज आई थॉट नाउ योर मैजिस्टी प्लीज़ शो मी योर राइट हैंड अब वो एकदम सीरियस होकर बोलते हैं जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हुआ चलिए आप अपना मुझे राइट हैंड दिखाइए ही बेंट्स डाउन टू टेक अ पिन फ्रॉम हिस बैग एंड प्रिपेयर्स टू प्रिक द किंग्स फिंगर फॉर अ सैम्पल ऑफ ब्लड अब वो अपने जो बैग होता है उनका उस बैग में से एक पिन निकालते हैं उनका ब्लड सैंपल लेने के लिए उन्हें प्रिक करने के लिए ंग का जो राइट हैंड का जो फोर फिंगर होता है उसको वो प्लिक करते हैं ओह आह आउट स्टॉप इट आई टेल यू डू यू वॉन्ट टू किल मी बिफोर आई ड्राई अचुरल डेथ फ्रॉम डिसीज ओ मै गुम क्या चाहते हो कि मेरी नेचुरल डेथ से पहले तुम मुझे मार देना चाहते हो ओह नो योर मैजिस्टी

डॉक्टर शार्प केयरफुली प्लान्स इज नेक्स्ट मूव एज ही डस नॉट वांट टू सफ़र द सेम फेट एज डॉक्टर ट्रूली अब डॉक्टर शाप को भी पता है किंग को कुछ नहीं हुआ है लेकिन वो नहीं चाहते कि डॉक्टर ट्रूली की जैसे उनको भी टावर से लटका दिया जाए और मार दिया जाए तो वो अपना बहुत ही केयरफुली नेक्स्ट स्टेप लेते हैं He quickly puts the drop of blood under the microscope. वो माइक्रोस्कोप के नीचे वो ड्रॉप ऑफ ब्लड को रखते हैं। He looks through the eyepiece for a while. थोड़ी देर तक वो माइक्रोस्कोप से आईपी से देख रहे होते हैं and then turns to the king with a very serious expression on his face. उसके बाद वो किंग की तरफ देखते हैं बहुत ही सीरियस एक्सप्रेशन जैसे कि किंग को बहुत बड़ी बीमारी हो गई है. Your majesty the situation is indeed serious however all is not lost there is only one cure or this type of this type of disease तो so, वो बोलते हैं योर मैजेस्टी सिचुएशन बहुत ज्यादा गंभीर है लेकिन अभी भी हमारी हार नहीं हुई है मतलब अभी भी सब खत्म नहीं हुआ है इस सीरियस रेजिस्ट डिजीज का एक सलूशन है उथ while while तो वो जो है एक मिनट के लिए चुप होते हो किंग जो है ना मुंह खोल के देख रहे होते हैं कि, hey भगवान मुझे क्या हो गया है योर रॉयल विल है थ्री नाइट इन द शर्ट ऑफ अ हैपी मैन और क्योर ये है कि आपको तीन रातों तक किसी भी हैप्पी इंसान की शर्ट पहन के सोना पड़ेगा इफ यूर मैजिस्टी डज नॉट फॉलो दिस प्रिस्क्रिप्शन अगर आप इस प्रिस्क्रिप्शन को फॉलो नहीं करोगे देन वी विल हैव टू लुक फॉर अ सक्सेसर टू योर सोन तो फिर हमें आपके लिए आपकी जो गद्दी है आपका जो चेयर है उसके लिए एक सक्सेसर ढूंढना पड़ेगा मतलब आप जो हो मर जाओगे और आपके बाद के लिए हमको आपका एय ढूंढना पड़ेगा Never, never, no, not ever. Courtiers, ride in all directions and find a happy man and get me his shirt. I will get well again. Ralph, send out my soldiers to find that shirt. Bring that shirt, or heads will roll. अब वो बोलते हैं नहीं नहीं ऐसा कभी नहीं होगा मैं ढूंढ के लाऊंगा मतलब तो वो जो है सबको क्या बोलते हैं रैल्फ को अपने सारे कोटियो को कि जाओ और जाके एक हैप्पी मैन की शर्ट लेके आओ और उसने बोला और अगर जो नहीं लेके आएगा तो हेड्स विल रोल मतलब मैं सबके साथ जो है कटवा दूंगा अब ऑल थ्रू द किंग्स मैन राइट बट दे फाइन नो हैप्पी मैन अब किंग के जो आदमी हैं जो उनके कोटियर्स हैं वो हर जगह जा रहे दे हैं देश के कोने कोने में जा रहे हैं क्या ढूंढने के लिए कि किसी भी खुश आदमी को ढूंढने के लिए मैनी दे सी एंड मैनी एंड टू मैनी दे स्पीक बट दे कैन फाइंड नो हैप्पी मैन बहुत सारे लोगों से वो मिलते हैं बहुत सारे लोगों से वो बात करते हैं लेकिन वो से उन्हें कोई भी एक ऐसा आदमी नहीं मिलता जो खुश है ईच डे

टू कोर्टियर्स हैन रॉइडिंग फॉर मैनी डेज दे अराइव एट अ डेसोलेट विलेज एंड देर दे कम अक्रॉस अ बेगो मेरी ट्यून अब रोजा और बिली जो है दो कोर्टियर्स हैं ये लोग जो हैं बहुत दिन से राइड कर रहे हैं ढूंढ रहे हैं एक हैप्पी मन को ढूंढ रहे हैं लेकिन उन्हें कोई नहीं मिल रहा फाइनली एक डेसोलेट मतलब एक बहुत ही अन इनहेबिटेड सा जहाँ पर ज़्यादा लोग रहते नहीं हैं ऐसी एक जगह पर जाते हैं एक ऐसे गाँव में जाते हैं और वहाँ देखते हैं एक भिकारी है जो कि बहुत ही

और मीन्स ऑफ सपोर्ट जिनके पास कोई घर नहीं होता जिनके पास सपोर्ट के लिए कुछ नहीं होता जो एक वॉन्डर होते हैं तो बोले मैं जॉन हूँ एक वेगा बॉन्ड हूँ तुम क्यों पूछ रहे हो यू सीम टू बी इन वेरी गुड स्पिरट यू आर नॉट सैड एट ऑल तुम्हें देख के लग रहा है तुम बड़े खुश हो तुम तो बिल्कुल दुखी नहीं हो वाई शुड आई बी सैड आई एम टू बिजी इंजॉइंगो टाइम टू बी सैड मैं दुखी क्यों हूँ मैं बहुत खुश हूँ मैं अपनी लाइफ को इंजॉय कर रहा हूँ हर वो चीज़ जो पैसा खरीद नहीं सकता एंड मेरे पास तो दुखी होने का समय ही नहीं है आह गुड फॉर फोर योर जस्ट द मैन वी हैव बीन लुकिंग है थाउजेंड गोल्ड कॉइंस फॉर यू यंग मैन जस्ट गिव अस अ शर्ट यू ओन अ थाउजेंड गोल्ड कॉइंस फॉर यू राइट हियर उसने बोला हो थैंक गॉड अच्छी किस्मत हमारी हमें तुम ही चाहिए थे बस अब तुम्हारे लिए ना हम थाउजेंड गोल्ड क्वाइंस तुम्हें दे रहे हैं तुम बस अपनी एक शर्ट हमको दे दो ये रहे तुम्हारे गोल्ड थाउजेंड गोल्ड क्वाइंस वेगा बॉर्न बर्स्ट आउट लॉफिंग वो जोर जोर से हंसने लग गया ही लाव सो हिस्टोरिकली दैट रॉजा एंड बिली आर स्पीचलेस अब वो इतना हिस्टोरिकली मतलब एक्सट्रीम एक्साइटमेंट के साथ वो इतनी जोर से हंसता है कि रोजा और बिली जो होते हैं वो एकदम सक पका जाते हैं अ थाउजेंड गोल्ड कॉइन्स अ थाउजेंड गोल्ड कॉइंस इन डीड इफ ओनली हाइड अर टू कॉल माई ओन ऑल आई कैन गिव यू इज दिस आई हैव नो यूज़ फॉर योर कॉइंस यू कैन कीप दैम अब वो बोलते थाउजेंड गोल्ड कॉइंस वेगा बॉन्ड बोलता है थाउजेंड गोल्ड कॉइंस मैं क्या करूँगा थाउजेंड गोल्ड गोल काइंस का को? वैसे भी अगर मेरे पास शर्ट होती तो मैं तुम्हें दे देता लेकिन मेरे पास शर्ट नहीं मेरे पास बस एक छोटा सा टुकड़ा है और इसके अलावा कुछ नहीं और मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे थाउजेंड गोल्ड टैटर्ड फिल्डी फ्रेगमेंट ऑफ अ शर्ट तो उसके पास शर्ट तो होती नहीं है तो उसके पास शर्ट का एक बहुत ही खराब सा गंदा सा एकदम फटा हुआ टुकड़ा होता है वो टुकड़ा उनको दे देता है आई विल टेक दैट फ्रेंड थैंक यू योर काइंडनेस विल बी रिपोर्टेड टू हिज हाईनेस बिली कम ऑन लेट अस हरी टू द पैलेस तो उसने बोला मैं ये टुकड़ा ले लेता हूँ और थैंक यू सो मच तुम्हारी जो काइंडनेस है वो हम ज़रूर किंग को बताएंगे फिर वो बिली को बोलते हैं चलो हमें जल्दी पैलेस जाना है रॉजर बिली एंड द अदर कोर्टियर्स असम्बल बिफोर द किंग टू प्रजेंट हिम द शर्ट ऑफ अ हैप्पी मैन बट द किंग स्विंग्स बैक इन डिस्कस्ट एट द साइड ऑफ द टर्न पीस ऑफ क्लोथ रॉजर बिली और जितने भी कोर्टियर्स होते हैं वह सब जो हैं आ, किंग के कोर्ट में जमा हो जाते हैं उनको एक हैप्पी मैन की शर्ट देने के लिए लेकिन जैसे किंग उसे देखते हैं तो उनको उससे बहुत ही डिस्कस्ट होता है उनको घिन आ जाती है कि ये कितनी गंदा सा कपड़ा है कितना ज़्यादा इसमें से जो स्मेल आ रही है ये कितना डर्ट ही है तो वो उन्हें बताते हैं ही इज टोल्ड अबाउट द हैप्पी मैन हु गेव अ पीस ऑफ अ शर्ट बट वुड नॉट टेक द किंग्स ओ गोल्ड बिकॉज ही डिड नॉट नीड इट फिर वो बताते हैं कि एक हैप्पी मैन की शर्ट है शर्ट का एक पीस है और जो उसने किंग के लिए दिया है लेकिन उसके पास इसके अलावा कुछ था ही नहीं और उसने ये भी मना कर दिया कि उसको किंग के थाउजेंड गोल्ड कॉइन्स नहीं चाहिए ही वॉन्टेड टू इन्जॉय लाइफ एंड ऑल द थिंग्स दैट मनी कैन नॉट बाय उसने कहा कि मैं जो हूँ अपनी लाइफ को इंजॉय करना चाहता हूँ वो हर चीज जो पैसा खरीद नहीं सकता देन द किंग रियलाइज यूजलेस लाइफ एंडनेस एंड ग्लूम तब किंग को रियलाइज होता है कि वो किस तरीके से एक यूजलेस लाइफ जी रहे हैं और उनकी जो सिकनेस उनकी जो बीमारी है हैश्ड हैश्ड मतलब इन्वेंटेड इन ग्लूम मतलब ग्लूम मतलब क्या होता है डार्कनेस आइसोलेशन उनकी बीमारी कुछ नहीं है वो अकेलापन है वो जो है जो एक डार्कनेस में वो जी रहे हैं उसकी वजह से हो रहा है और कुछ नहीं है उनकी बीमारी ही ओपन्स हिज हार्ट एंड लेट्स इन द एयर ऑफ काइंडनेस इन टू द रूम वो जो है विंडो को ओपन करते हैं अपना दिल खोलते हैं और उसके अब जो है उनके अंदर जो इतनी डार्कनेस थी इतनी नेगेटिविटी थी अब वो हैप्पीनेस में कन्वर्ट हो जाती है लाइट में कन्वर्ट हो जाती है एंड आउट ही गोज़ इन टू द वर्ल्ड एंड वर्क इन हिज ओन चूजन लाइन अब वो बाहर जाते हैं और अपने हिसाब से काम करते हैं जिस काम के लिए वो हैं वहाँ पर वो राजा हैं जिनको सर्व करना है अपने किंगडम को तो वो वही काम करते हैं ब्लेसिंग्स आर शार्ड द लैंड इज ग्लैड एंड द किंग इज़ वेल एंड फाइन सब उन्हें बहुत सारे आशीर्वाद देते हैं उनका पूरा किंगडम जो है वो बहुत ज़्यादा हैप्पी है और अब किंग जो है वो एकदम बढ़िया हैं उन्हें कोई दिक्कत नहीं है उन्हें कोई बीमारी नहीं है दैट was our प्ले guys, adapted फ्रॉम द enchanted शर्ट रिटन by द बाई जॉन है सो बेसिकली बीमारी उन्हें कुछ नहीं थी ये सिर्फ उनके दिमाग का एक खलल था उनको ऐसा लग रहा था कि उन्हें कोई बीमारी है बट जब उन्होंने रियलाइज़ किया कि एक बेगर जिसके पास कुछ नहीं है वो भी अपनी लाइफ में बहुत खुश है वो बोलता है कि मैं ऐसी चीज़ों को खुश हूँ देख के जो शायद पैसे नहीं दे सकती आपको मनी कांट बाय अ लॉड ऑफ हैप्पीनेस एंड ही वॉज हैप्पी लिविंग अ लाइफ विदाउट एनी मनी तब किंग को रियलाइज़ होता है दैट ही हैज़ बिन वेस्टिंग हिज लाइफ एंड नाउ ही शुड नॉट So, on this note, we are done with this chapter. So, in our next video, we will see the summary and then we will proceed with the question answers and grammar solutions. So, if you like the explanation, do not forget to like, share, and subscribe. And make sure that you understand this well. If in case you have any doubts, then you can write in the comment section. Thank you so much for being with me, and I will see you soon in my next video. Bye bye.